नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दक्षिण दिशा के इस सीरीज में कि दक्षिण दिशा का कलर कैसा हो, ऐसा कलर हो जो कि हमें फलीभूत हो, लाभ दे, किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने दे। क्योंकि कलर का विज्ञान ये कहता है कि आज आप जानते हैं नौ ग्रह हैं, उनके अपने अपने कलर हैं। जितने भी तत्व हैं, पांच तत्व हैं, उनके अपने अपने कलर हैं। इंद्रधनुष हैं, उनके सब कलर हैं। तो जीवन में कलर का कितना महत्व है। आज कोई भी देश अपने कलर का जो है फ्लैग्स लेकर के अपने को प्रेजेंट कर रहा है। तो जीवन में कलर जो है शुभता लाता है। जब भी आप जानते हैं कि घर में हम अच्छा शुभ मुहूर्त में रंगोली बनाते हैं, तो ये सब कलर का ही खेल है। हम चलिए अब आते हैं कि दक्षिण दिशा में कैसा हो घर का कलर। इसमें हम बताएंगे कि जो पूरे बाहर के दीवार का कलर कैसा होना चाहिए, अंदर के प्रत्येक रूम का कलर कैसा होना चाहिए, या कोई एक ऐसा कलर करें जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सके। अच्छा रिजल्ट का मतलब कि सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में हो, लोगों के घर में सुख हो, शांति हो, मन प्रसन्न रहे, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सके। ना कि अगर यही थोड़ी सी गलती कर देते हैं, भूल कर देते हैं, तो वास्तु से बना हुआ भी मकान अगर गलत कलर कर देते हैं, तो आप ये जान रखिए यह गलत कलर का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति जो है सो कई प्रकार के समस्याओं में आने लगता है। तो ये आखिर ऐसा होता कैसे है, क्या कलर का इतना बड़ा विधान है, तो इसी को समझने की आवश्यकता है। ध्यान से समझें, वास्तु शास्त्र में पांच तत्व होते हैं। सारे तत्व का अपना अपना रंग है, अपना कलर है, क्योंकि कोई न कोई तत्व जो जुड़ा हुआ है, सब जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सबसे जुड़ा हुआ है और सबकी अपनी प्रकृति है, अपना कलर है, और उसके अनुसार ही वह अपना रिजल्ट देता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यही तत्व पांचों दिशाओं में, सभी दिशाओं में अगर व्यवस्थित है, क्योंकि सभी दिशा के तत्व अलग हैं, तो अगर वहाँ का कलर एंटी तत्व का कलर कर देते हैं, तो ये बुरा प्रभाव देने लगता है, घातक परिणाम देने लगता है, अच्छा रिजल्ट नहीं देने लगता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी डेवलप होने लगता है। तो हम अब इसी चीज़ को समझते हैं। दक्षिण दिशा जो कि 125 डिग्री 35 डिग्री से लेकर के और पूरा जो है 225 डिग्री 35 डिग्री तक आ जाता है। तो यहाँ पर का जो कलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के तत्व अलग हैं, दो तत्व रूलिंग करता है इसको, एक अग्नि तत्व करता है और दूसरा जो करता है सो पृथ्वी तत्व करता है। अग्नि तत्व का कलर लाल है और पृथ्वी तत्व का कलर पीला है। इसके अपने अपने विधान हैं, क्योंकि ये 16 जोन में जो क्षेत्र आता है, यह देता है आपको कैश लिक्विडिटी, देता है आपको साहस, देता है आपको नेम फेम, देता है आपको जो है ब्रांड बनाता है, आपको जो है सो स्थिरता लाता है, रिलेशन को देता है। तो इस तरह से जब देखते हैं कि इतना तत्व इस क्षेत्र का, यह सारे सारे जो 16 क्षेत्र में ये क्षेत्र आते हैं, वह अपना इस प्रकार से रिजल्ट हमको देता है। अगर रिलेशन मजबूत चाहिए तो पृथ्वी तत्व को एनहांस करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, वास्तु दोष रहित बनाना पड़ेगा। अगर उसमें किसी प्रकार का कलर का वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, तो आपके रिलेशन टूटने लगते हैं, आप बिखरने लगते हैं, परिवार जो था संयुक्तता में नहीं रह जाता है, एकांक में हो जाता है। तो इसी चीज को समझना है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल हो, आपके घर में खुशी हो, अपार संपदा हो, धन दौलत हो? तो जब यह जब चाहते हैं, तो फिर कलर में गलती क्यों,
आप वास्तु से मकान बना रहे हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि वास्तु शास्त्र पांच तत्वों के विधान पर है और पांच तत्व के हिसाब से हम वास्तु से मकान बना रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी गलती जाने अनजाने में अगर हो गया, कलर के विज्ञान को नहीं समझ पाया, तो इसका रिजल्ट गलत देने लगता। अब देखते हैं कि कौन कौन सा कलर करना है और कौन कौन सा कलर नहीं करना है, कौन कलर शुभ होगा और कौन कलर अशुभ होगा। अब आते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का कलर लाल है, अर्थात दक्षिण दिशा का जो शुरुआत होता है अग्नि तत्व से ही होता है और अधिक प्रधानता जो रहता है, मात्राएं जो इनकी परसेंटेज जो अधिक है वह अग्नि तत्व का ही, अर्थात दक्षिण दिशा का पूरा रोलिंग करने वाला तत्व जो हो जाता है वह अग्नि तत्व हो जाता है। इसका कलर जो होता है रेड फैमिलियर से कलर होना चाहिए, हल्का रेड हो, हल्का पिंक हो, हल्का ऑरेंज हो, ये सारे जो है कलर आप अपने बाहरी दीवार पर करवा सकते हैं, ये अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर इसके एनिमी तत्व हैं, दुश्मन तत्व हैं, शत्रु तत्व हैं, जल तत्व हैं, तो जल तत्व को अगर यहाँ कर देंगे, अर्थात नीला कलर कर दिए, ब्लैक कलर कर दिए, तो जितनी प्रोस्पेरिटी यहाँ पर था, जितने आपको अच्छे परिणाम यहाँ से आने वाले थे, वो सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद होगा। आप जानते हैं कि जब भी हम अग्नि, जलते हुए अग्नि में जल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि बुझ जाता है। व्यवहारिक रूप से बचपन से हम देखते आए हैं कि कहीं आग लगा है तो उसको बुझाने के लिए हम क्या उपयोग में लाते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं कि जल डालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये इनके शत्रु तत्व हैं, शत्रु तत्व के कलर जो होते हैं, जल तत्व का कलर ही है नीला कलर, ब्लैक कलर, ये सारे प्रेजेंट करते हैं जल तत्व को। कि इस क्षेत्र में भूल करके भी जल तत्व का कलर नहीं करना। जल तत्व का कलर कौन आता है, नीला हो गया, ब्लैक हो गया। यहाँ पर आप जो है सो आकाश तत्व का कलर भी नहीं करें, बचें, क्योंकि आकाश तत्व भी यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, अर्थात व्हाइट कलर भी यहाँ नहीं करें। तो दो प्रकार का कलर अब यहाँ उभर के आया है कि आप रेड फैमिलियर से कलर कर लें या येलो फैमिलियर से कलर कर दें, तो बहुत अच्छा फल देगा, रिजल्ट देगा। क्योंकि हम केवल दक्षिण दिशा के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं, सभी दिशाओं के बारे में नहीं है, अगले वीडियो में दें। तो चार पांच प्रकार का कलर आप कर सकते हैं, वह कलर है रेड फैमिलियर से, जैसे रेड फैमिलियर से हल्का रेड हो गया, हल्का पिंक हो गया, या ऑरेंज हो गया, हल्का पीला हो गया, पीताम्बरी कलर हो गया, ये सारे कलर अगर यहाँ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, शुभता देगा, सुख शांति देगा, घर में समृद्धि देगा, कैश फ्लो बना हुआ रहेगा, कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी नहीं होगा और रिलेशन सबका मजबूत रहेगा। तो ये सारी चीज को आप ध्यान में रखें। यहाँ पर कलर कौन सा नहीं करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीला कलर, ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं करना है और व्हाइट कलर भी ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे तत्व यहाँ डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। अब है कि क्या एक कलर कोई ऐसा बताएं गुरुजी जो किसी भी तत्व में सेट हो जाए, अर्थात वह है ऑफ व्हाइट का कलर। ऑफ व्हाइट कोई भी तत्व के किसी भी दिशा का आपका मकान हो, वो ऑफ व्हाइट अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट। अब हम ध्यान क्या रखें, शो देखें, अंदर आप चलते हैं। अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट रखता है इसमें दक्षिण क्षेत्र में अग्नि, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से रिलेटेड किचन है। किचन का भी कलर आप अगर करते हैं तो पिंक फैमिलियर से करें, रेड फैमिलियर से करें, येलो फैमिलियर से करें तो अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर नीला कलर, ब्लैक कलर
करने से बचें। यहाँ पर आप जो है व्हाइट कलर करने से भी बच सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक व्हाइट चल सकता है। अब हम आते हैं कि दक्षिण दिशा का जो पूजा रूम है वो कैसा होना चाहिए। पूजा रूम का मतलब ही होता है, मस्तिष्क में आता है, पूजा है। अर्थात अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो भगवा कलर सबसे सबके मन में बैठता है। लेकिन सावधानी है कि आप पूजा रूम जो बना रहे हैं वह ईशान कोण में बना रहे हैं, और ईशान कोण में जब भी आप पूजा रूम का कलर करें तो व्हाइट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफ व्हाइट कर सकते हैं, यहाँ पर हल्का आसमानी कलर कर सकते हैं, यहाँ पर हल्का जो है सो हरा कलर कर सकते हैं। ये कलर यहाँ चलेगा। यहाँ करने से बचें आप। यहाँ अगर आप करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो रेड, ऑरेंज, पिंक या पीला कलर कतई भूल करके नहीं करें। अब आता है कि मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम मुख्य रूप से नैऋत्य कोण में आता है। नैऋत्य कोण में जो है कभी भी नीला और ब्लैक कलर नहीं करें, हरा कलर नहीं करें। ये तीन कलर छोड़ करके कोई भी कलर कर सकते हैं, हल्का में करें जो आपको सुकून प्रदान करे। बिल्कुल लाइट कलर यहाँ रखें तो बहुत है। अब पूरे अंदर में ही आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑफ वाइट कर दें, अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा देगा, और आपके घर में धन दौलत पैसा सुख समृद्धि सब चीज़ बना रहेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।